नक्सलवाद से बड़ा खतरा है धर्मांतरण, कौन कह रहा है? बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, छत्तीसगढ़ के दौरे पर, आपको याद ही था। नक्सलवाद से भी बड़ा खतरा धर्मांतरण है, धर्मांतरण जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, यही कहा है बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, सब कुछ देख लीजिए। हिंदुत्व के मामले को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा चर्चा में रहते हैं, हिंदुत्व के मसले पर उनका रुख हमेशा कड़ा रहता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसा बयान दिया कि वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कांकेर में क्या कहा है, यहां उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले 11 परिवारों को वापस हिंदू धर्म में शामिल कराया। यहीं पर उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण की तुलना नक्सलवाद से की है, उन्होंने धर्मांतरण को नक्सलवाद से भी बड़ा खतरा बताया है और कहा है इसे रोकना बहुत जरूरी है। सुनना चाहते हैं क्या कहा है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने? सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बाबा बागेश्वर ने कहा है? सुना दीजिए भाई। कुछ पिछड़ने का एक मूल कारण यह भी रहा कि यहाँ नक्सलाइट एरिया रहा। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतर, ये भी खतरनाक है पर ये और ज्यादा खतरनाक है। छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब भारत को खोखला करना। हमने पूरे भारत में सभी प्रदेशों में लगभग कार्य सेवा की, पूरे प्रदेशों में जाते, अन्य देशों में भी गए, बहुत से देशों में, दुबई जैसे शहर जो इस्लामिक देश है उस देश में भी अपनी हिंदुत्व की हमने बात रखी। बहुत बड़ा बयान दिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। दरअसल सनातनियों को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा का मकसद जातिवाद और भेदभाव को मिटाना है। यह यात्रा 21 से 30 नवंबर तक होगी। बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर तक की यात्रा की जाएगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रोज यानी हर दिन 20 किलोमीटर चलेंगे। यह पदयात्रा 155 किलोमीटर की होगी। इस पदयात्रा की खूब चर्चा हो रही है और इसी सिलसिले में हिंदुत्व और हिंदू को लेकर बाबा बागेश्वर लगातार मुखर। पिछले कुछ वक्त से धर्मांतरण बस्तर की राजनीति के केंद्र में रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बस्तर और कांकेर दोनों ही लोकसभा सीटों पर धर्मांतरण के खिलाफ मुखर रहने वाले नेताओं को टिकट दिया था। बस्तर से महेश कश्यप और कांकेर से भोजराज नाथ, दोनों ही नेता धर्मांतरण के खिलाफ बोलते रहे हैं और इन दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की। ऐसे में निकाय चुनाव से पहले धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के राजनीतिक मायने भी ढूंढे जा रहे हैं और इसीलिए इन बयानों का असर क्या हो रहा है, सीधे जगदलपुर लिए चलता हूं, बस्तर लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर हैं। संजय, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो कह दिए कि नक्सलवाद से बड़ा खतरा धर्मांतरण है, लेकिन यह तो भारतीय जनता पार्टी की पिच है, इसमें तो जो भी बैटिंग करने आएगा जीत बीजेपी की ही होनी है। संजय, इस बयान को किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, बस्तर में पिछले, अगर मैं 2-3 सालों की बात करूं तो ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जब बस्तर के किसी ना किसी हिस्से से दो धर्मों के लोगों की आपस में लड़ने की खबरें ना आई हो। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान बहुत मायने रखता है। मैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, जितने लोग उनके प्रवचन सुनने भीड़ में उमड़ते हैं कार्यक्रम में, लगभग 90 लाख उनके फॉलोअर्स यूट्यूब पे हैं, लगभग 18 लाख फॉलोअर्स जो है इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनकी फॉलोइंग जो है वो काफ़ी बड़ी है। ऐसे में उनका बयान का असर जो होगा वो यहाँ की राजनीति पे साफ तौर पे नज़र आएगा उन्हें, क्योंकि बस्तर आने का बुलावा भी दिया जा चुका है। उन्होंने बोल दिया है कि जल्द ही बस्तर में भी जो है एक कार्यक्रम वो करेंगे। इसके साथ ही जसपुर भी हो जाने वाले हैं, जसपुर जहाँ सबसे बड़ा चर्च भी है। ऐसे में क्या अब ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले जब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसका सीधा असर जो है वो राजनीति में नज़र आएगा? क्योंकि देखिए, बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव में ये जो उन्होंने टिकट बांटी थी तो उसमें भी साफ तौर पर ये देखा गया था, महेश कश्यप नए नवेले चेहरे थे, सिर्फ एक बात, धर्मांतरण के खिलाफ मुखर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड था। ऐसे में उन्हें जीत भी मिली तो हो सकता है बीजेपी एक बार फिर से ये दोहराए, क्योंकि बस्तर में, खास तौर पे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इस वक्त ये बड़ी समस्या है और लगातार प्रशासन और पुलिस के सामने भी ये चुनौती बनी हुई है, क्योंकि दो धर्मों के लोग जो है वो लगातार एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बागेश्वर धाम के इस बयान का कितना दूर तक असर होता है। बनाए रखिएगा संजय, हम तो आपकी नज़रों से, आपकी बुद्धि से, आपके अनुभव से ही नगरीय निकाय चुनाव के समीकरण को समझेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ को बताएंगे। आपका बहुत धन्यवाद इतने विस्तार से विश्लेषण करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।